बांदा में तालाब की खुदाई करते समय खजाना मिलने की सूचना जब गांव में फैली तो तालाब के ग्रामवासियों को घेर लिया। सूचना जब अधिकारियों को मिली तो पुलिस के साथ जिले के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मामला बबेरू तहसील क्षेत्र के कमासिन थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम तेलौसा का है, जहां पर तालाब की खुदाई ठेकेदार व ग्राम प्रधान के द्वारा की जा रही थी। तालाब की लगभग पूरी खुदाई हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी रात्रि में तालाब के बीचों बीच एक जगह खुदाई पॉकलैंड मशीन से करवाई जा रही थी, जिसमें तालाब के किनारे ग्रामीण भी मौजूद थे। वहीं ग्रामीणों ने देखा कि बीचों बीच खुदाई करने के बाद मशीन को बंद किया गया और उसके बाद वहां से कुछ सामान निकालकर चार पहिया वाहन में रखकर ठेकेदार चला गया, जिस पर ग्रामीणों को शक हुआ, जिसके बाद तालाब के पास ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। हमें जानकारी ये मिली है कि यहाँ तालाब में कुछ जो पुरातत्व जो है यहाँ पे था, तो बताया कि रात में 10 बजे खुदाई की गई और इसमें ठेकेदार और तीन लोग हमारे गांव के थे और ये पुलिस भी दो थे। हमें ये जानकारी मिली और जब इन्होंने खोद लिया इसके बाद ये लोग निकल गए और फिर गांव वाले उन्होंने पीछा भी किया, उनको शायद पकड़ा भी है, तब तक वो लोग निकल चुके थे। और एक ऐसा है कि यहाँ पे जो खुदाई जो जीसीबी वालों ने की है टोपलेट, उसका ड्राइवर जो है उसका वीडियो हमारे पास है, बयान भी उसने दिया है हमारा, उसका वीडियो मेरे पास है, इतनी मेरे पास जानकारी है। जो खुदाई, क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या करते हो? एलएनटी चलाते हो? टोपलेट चलाते हो? क्या तालाब में खुदाई कर रहे थे? क्या खुदाई कर रहे थे? 10 दिन। 10 दिन से काम कितना बाकी था यहाँ? यहाँ काम फाइनल होने वाला था, बस 2-4 घंटे काम। अच्छा अच्छा, फाइनल होने के बाद यहाँ पे ये अचानक गहरी खुदाई कैसे हुई? ये गहरी खुदाई यहाँ पे कुआं था, बोले थे गांव वाले सब लोग कि यहाँ पे कुछ है, है तो हम लोग ठेकेदारों ने वहाँ खुदवाया, खुदाते खुदाते इन्हें अचानक बंद करवा दिया और उसको खुदवा दिया और हमारी मशीन बोले ले जाओ। अच्छा, खुदाई हो रही थी, खुदाते खुदाते अचानक ठेकेदार ने बंद करवा, अचानक बंद करा दी, तो क्या लगा आपको, क्यों बंद करवाया जा रहा, क्या आपको जानकारी? उनका कहने का मतलब होगा, समझ में आया कोई कुछ है तो इसलिए उन्होंने खुदवा दिया। अच्छा, हमने जान नहीं पाए, हम तो अगर चलाने वाले थे, हमें पता नहीं चला। अच्छा, जी खुदाई कर रहे थे, खुदाई करते करते बता रहे हैं चार पहिए बगल में गाड़ी कोई कोई आई थी, तो कोई गाड़ी खड़ी थी क्या वहाँ पे? हाँ, वहाँ तो एक गाड़ी खड़ी थी स्कॉर्पियो। अच्छा, तो कब गई है वो गाड़ी? वो कम से कम 2-3 घंटे बाद गई है, जब मतलब पुलिस वाले आ गए, 10-15 पुलिस वाले आए थे, दो गाड़ी आई थी, इसके बाद में गई है। अरे सर, मामला ये है कि जब ये तालाब खुदाई शुरू हुई थी तब से अभी तक लगातार काम चलता रहा। इसके बाद जो है कल जेई साहब आए थे तो इस तालाब को लगभग लगभग फिनिश कर गए थे कि नहीं, यहाँ की खुदाई का कार्य लगभग लगभग पूरा हो चुका है, अब इससे आगे खुदाई, इसकी गहराई नहीं करना है, जो साइडों की मिट्टी है या जो ये टीले उले खड़े हैं इनकी मिट्टी हटा देना है, इसके अलावा ये मतलब लेवलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे मौके पे जो है कि लगभग 5 फीट गहरी खुदाई कर दिया गया, केवल एक जगह तालाब की, 5 नहीं 10 फीट, लगभग 10 फीट गहरी खुदाई जो है एक जगह तालाब के बीचों बीच की गई। तो ये इस मंशा, किस मंशा के साथ की गई? ऐसा तो ना किया जाना चाहिए कि एक ही जगह आप जो है 10 फीट गहरी खुदाई कर देंगे, बाकी पूरा तालाब पड़ा है, पूरा तालाब लेवलीकरण में है, ये पास हो चुका है, इंजीनियर इसको पास करके चले गए हैं, तो इसका मतलब कि इसमें 2-3 दिन पहले इनको संज्ञान में मिला था, कुछ अवशेष मिले थे ईंटा वगैरह के, तो इतनी गहराई पे तालाब की तली में अवशेष मिलना कुछ न कुछ प्रदर्शित करता है, तो उसमें उन लोगों को जरूर ये शक हुआ कि कहीं कुछ इसमें कोई संपत्ति हो सकती है, उसी को उन्होंने तुरंत ढक दिया। लेकिन यहाँ पर जब काम शुरू हो जाता रहा है तो मोहल्ले के, चूँकि लोधी समाज का मोहल्ला है ये राजपूतों का, तो यहाँ के लोग अक्सर जो है 100-150 लोग तो भीटों में आसपास बैठे रहते रहे जब तक काम चलता रहा है, चाहे वो रात भर काम चलता रहे तो ये रात भर कुछ न कुछ लोग रहते रहे। सुबह होते होते ग्रामीणों का तालाब पर मजमा लग गया, जिसकी सूचना अधिकारियों को मिली तो मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह ने तालाब का निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीणों से पूछताछ करने के बाद ग्रामीणों के बयान के आधार पर उस जगह को सील कर दिया गया है, साथ ही जांच के लिए उप जिलाधिकारी ने पुरातत्व विभाग को सूचना दी। इसमें तिलौसा तालाब में खुदाई हो रही थी और इसमें कल शाम को पता चला कि इसमें एक कुछ सुरंग टाइप मिली जी, तो इसलिए उसको सुरंग की उसको देख के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन और सबको बुलाया गया, गाँव वालों की समझ से इसको देख रेख किया गया, तो कुछ क्या हो सकता है तो इसके लिए पुरातत्व विभाग वालों से संपर्क करके इसकी जाँच कराई जाएगी, जाँच कराने पर जैसा। सर,
आपने देखा तो सर क्या समझ में आ रहा है, कैसे लग रहा है? देखने में तो अभी इधर ये खुदाई हुआ है, खुद करके ये वो हो गया है, अब इसके बाद में पुरातत्व बताएगा, पुरातत्व विभाग अपना जांच करेगा और बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। सर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे जब पूरे तालाब का लेवल हो गया तो आखिर इस वजह पे खाली गहरी खुदाई क्यों की गई? इस पे खुदाई हो रही थी, अब इसमें देखते हैं पुरातत्व बताएगा। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब की खुदाई पूरी हो चुकी थी और यह बीच में लगभग 10 से 12 फीट चौड़ा एक गड्ढा खोदा गया जो समझ से परे था। ग्रामीणों का मानना है कि ठेकेदार और प्रधान ने तालाब की खुदाई से खजाना निकाला है और उसे वह घर ले गए हैं। फिलहाल अधिकारी इस मामले में जांच की बात कह रहे हैं। बांदा से जितेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।